कैसा हुआ पेपर आप लोगों का? कैसा एग्जाम कैसा आया था? एग्जाम मतलब नॉर्मल आया था, बस ये न्यूमेरिकल वाला थोड़ा टफ था। अच्छा, कौन सा सेक्शन टफ था? न्यूमेरिकल वाला। और रीजनिंग? रीजनिंग भी टफ नहीं थी, बस रीजनिंग नॉर्मल थी। नॉर्मल थी। कहाँ कहाँ से आए आप लोग? हम लोग जौनपुर से आए हैं। आप भाई? आप जौनपुर? सब जौनपुर। ठीक था। मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स वही टफ था थोड़ा सा बस। हाँ, मैथमेटिक्स टफ था ना। हिंदी कैसा आया था? हिंदी बहुत बढ़िया था, सबसे बढ़िया पेपर हिंदी का। हिंदी कैसा था? हिंदी लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पे घुमा दिया है। हाँ। और ज्यादातर क्वेश्चन ये आपका कैलकुलेटिव में मतलब वही है कि अंकों का है, ज्यादा भी कैलकुलेटिव में आएगा नहीं, ऐसा भी नहीं। और ये नहीं कि सब सेक्शन से पांच ही चैप्टर होंगे, छह चैप्टर जिससे क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट हो गया। अच्छा। और हिंदी में एक अलंकार का था, वो एक ही क्वेश्चन को अनुप्रास अलंकार के जो जो तीन है वो तीन क्वेश्चन था, घुमा घुमा के था, बस वही घुमा घुमा ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, जिस एक ही सेक्शन पे दो दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है सेम उसी पैटर्न को दूसरा क्वेश्चन दिया। और संविधान से और ऐसा क्वेश्चन जो था, जो संविधान से और ये अनुच्छेद धाराओं वाला सेक्शन सबसे बढ़िया था। अनुच्छेद से पूछा था? अनुच्छेद से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा था। अच्छा। और ये क्या बोलते हैं कि मतलब कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए उनका जो भी था उसका पूछा था। और मतलब कि अप्राकृतिक अपराधों के विषय में था, मतलब मिला जुला के ओवरऑल क्वेश्चन पेपर बढ़िया था। बस ये न्यूमेरिकल वाला थोड़ा सा इधर का उधर था, जो भी मतलब कि ऑनलाइन हम लोग जो भी तैयारी कर रहे थे, जो भी पढ़ रहे थे, वो चीजें समझ में नहीं आई थी। अच्छा। राष्ट्रपति का वीटो पूछा था? राष्ट्रपति का वीटो बार पूछा था। पॉलिटी से मैक्सिमम कितना क्वेश्चन आया होगा? पॉलिटी से कितना क्वेश्चन आया? पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, पॉलिटिक्स से सिंपल पांच छह क्वेश्चन। आईपीसी सीआरपीसी से? आरपीसी आईपीसी सीआरपीसी आईपीसी सीआरपीसी से तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन थे। 10 से 15? बहुत ज्यादा हो गया। 10 से 15 बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री से? बाकी सारे पॉलिटी से थे। हिस्ट्री से? हिस्ट्री से नहीं थे। अच्छा, हिस्ट्री से एक भी नहीं थे क्वेश्चन। तो ये सेक्शनों में इसका क्वेश्चन घुमा रहा है, मैथ में भी कुछ दे दिया है, हिंदी में का दो क्वेश्चन दे दिया है, रीजनिंग में भी दो क्वेश्चन दे दिया है इसका, तीन क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग गोरखपुर परीक्षा देने आए हैं जी, इतने दूर से आए, आप लोग को यहाँ पे कोई असुविधा हुई आने में? नहीं, असुविधा तो नहीं हुई। आप लोग नजदीक के जिले से हैं इसलिए शायद। हाँ। क्यों भाई, आप लोग का कैसा गया? पेपर अच्छा हुआ सर। हाँ, पेपर कहाँ से है? गाजीपुर। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद।